नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित, स्वागत है आपका टेक सकते हैं यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है अपने मोबाइल में या जो टिकटॉक जो है बैन हो चुका है तो उसको कैसे दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं या किस तरीके से उसका जो है यूज कर सकते हैं। जबकि बैन हुआ है लेकिन उस पर कोई भी आईडी वगैरह जो है बंद अभी तक नहीं हुई है, तो आप लोग उसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। और किस तरीके से, जबकि उसे जो है प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, तो आप लोगों को मैं ये बताऊँगा आज कि किस तरीके से आप लोग जो है अपने में टिकटॉक जो है दोबारा इंस्टॉल जो है कर सकते हैं और जो किस तरीके से उसको जो है इंस्टॉल कर पाएंगे आप लोग, और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग इंस्टॉल करके चला भी सकते हैं। ऐसा कोई बैन हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चला नहीं सकते आप लोग या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं किया तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से जो मुझे फॉलो कर लें। दोस्तों, देखिए कि इस तरीके से आप लोग जो है डाउनलोड कर पाएंगे, वो मैं या तो आप लोगों को लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड आराम से जो है कर सकते हैं, आसानी से, बहुत ही आसानी से आप लोग जो है टिकटॉक को डाउनलोड कर सकते हैं दोबारा से। नहीं तो आप लोगों को मैं तरीका बता रहा हूँ कि और कौन कौन तरीके वो हैं जो किससे आप लोग जो है अपने में टिकटॉक जो है आराम से चला सकते हैं। तो एक तो तरीका आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग ऐसा करें कि किसी भी आपके फ्रेंड के पास अगर जो मोबाइल में टिकटॉक पड़ा तो उसको शेयर इट वगैरह से जैसे भी करके आप लोग जो उस एप्लीकेशन को जो है शेयर कर लें। तो जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन जो है वो शेयर कर देंगे तो उसके बाद में आप लोग जो है आराम से जो है टिकटॉक अपने में चला सकते हैं। और नहीं तो आप लोग गूगल क्रोम से जो APK फाइल उसकी जो होती है वो आप लोग जो है डाउनलोड कर लें, उससे जो है आप लोगों के मोबाइल में जो है वो APK फाइल जो है गूगल क्रोम पर कहीं पर भी जा करके आप लोग जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आप लोग जो है आसानी से 70-71 MB का जो है टिकटॉक की फाइल APK जो पड़ी है तो आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जो चला सकते हैं, उस पर अपने वीडियोज़ वगैरह भी डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बैन हो गया तो आप लोग वीडियो नहीं डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग आसानी से जो उसको चला सकते हैं और जितनी भी आईडी पहले से भी हैं वो भी आईडी किसी की बंद नहीं हुई, आईडी आराम से जो है चल रही है अभी तक। तो आप लोग भी इस तरीके से जो है छोटे छोटे वीडियो की जो क्लिप वगैरह जो इस तरीके से आप चला सकते हैं। नहीं तो आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, WeChat है, WeLike है और काफ़ी सारे एप्लीकेशन इसी तरीके के हैं जो छोटी छोटी वीडियो जो है बनाने के लिए उपयोग होती है और बहुत अच्छी जो है वीडियो वगैरह जो है उस पर बनती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप लोग जो है टिकटॉक को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में जो है चला सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।